हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन स्टडी सेक्टर। दोस्तों, आज हम आईएएस ऑफिसर की सैलरी की बात करेंगे। इस वीडियो में हम 7th पे कमीशन के बाद सैलरी और पर्क्स ये कैसे रहने वाले हैं, कितनी सैलरी मिलने वाली है आईएएस ऑफिसर को, इन सभी के बारे में इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं। अब आईएएस ऑफिसर बनते कैसे हैं, ये सबके दिमाग में हमेशा आता है। देखिए, यूपीएससी आपका आईएएस का एग्जाम लेती है। वो एग्जाम 3 भागों में होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। जब आप प्री में क्लियर हो जाते हैं तो आप मेंस में जाते हैं, और मेंस के बाद इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है। अगर लिस्ट में आपका नाम आता है तो आपने यूपीएससी जो है वो क्लियर कर ली है। लेकिन जब आपका लिस्ट में नाम आता है, इसमें कौन सा रैंक है उस पर ही डिपेंड करता है कि आईएएस आपको मिलेगा कि नहीं। क्योंकि जब आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो वहाँ पर काफ़ी सर्विस होती है, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, इंडियन फॉरेन सर्विस IFS, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन PNT अकाउंटेंट एंड फाइनेंस सर्विस ग्रुप ए, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन रेवेन्यू सर्विस ग्रुप ए, ऐसी बहुत सी पोस्ट होती है। उसी तरह काफ़ी सर्विसेज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब मैंने यहाँ पर सभी सर्विसेज तो इंक्लूड नहीं की है, पर लगभग इसमें हमें 23 से 24 सर्विसेज हैं जो देखने को मिलती है। अब हम यहाँ पर जो सैलरी और पर्क्स की बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ IAS के बारे में करेंगे कि अगर आपको IAS मिलता है तो आपको कितनी सैलरी मिलती है। लगभग अगर आप 100 रैंक के अंदर आते हैं, यानी कि आपका नाम जो है वो 100 रैंक के अंदर आता है, तो 99% चांस होता है आपके IAS बनने का। अगर आप IAS बनते हैं तो आपकी सैलरी कितनी रहेगी, कौन कौन से पर्क्स आपको मिलेंगे, ये हम यहाँ पर जानेंगे। आप जब UPSC क्लियर कर लेते हो उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ट्रेनिंग में भी जब आप जाते हो तब भी आपको सैलरी मिलती रहती है। दोस्तों, सैलरी की बात करें तो देखिए, टेक्निकल टर्म्स में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, मतलब ज़्यादा हम इसके बारे में ग्रेड पे, बेसिक पे, इन सब के बारे में ज़्यादा बातें हम नहीं करेंगे। बेसिक पे ये सब थोड़ा बहुत देख लेंगे, अगर हम इसमें डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पर हम आपको मोटे तौर पर सभी डिटेल्स प्रोवाइड करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो IAS ऑफिसर होते हैं उन्हें ग्रुप ए में रखा जाता है क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस में आते हैं। लेकिन हम लेवल 10 का पे मैट्रिक्स देखते हैं तो वहाँ पर 21,000, उसके बाद 5,400 ने ग्रेड पे, उसके बाद BA, ये अगर हम मिलाते हैं तो हमारी बेसिक सैलरी जो है वो निकल कर आती है 56,100 रुपए, यानी कि 56,100 रुपीज। मतलब जब आपकी एंट्री होने वाली हो, आप ट्रेनिंग पीरियड में हो या ट्रेनिंग के लिए जाने वाले हो, तो आपकी जो सैलरी है वो 56,100 रुपीज़ होती है। अगर आगे हम समझें तो IAS ऑफिसर जो होता है उन्हें रहने के लिए घर, साथ ही DA, ट्रांसफर अलाउंसेंस, ये भी मिलता है। अब यहाँ पर DA आपको 6% यानी कि 3,366 रुपये मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेंस जो है वो 7,200 रुपये मिलता है। HRA आपको 13,464 रुपये मिलता है। आपको हमने बताया कि IAS को बड़े बड़े घर प्रोवाइड किए जाते हैं। जी हाँ, IAS को बहुत बड़े बड़े आलिशान टाइप के घर जो होते हैं वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। मोस्टली इनमें HRA जो होता है वो नहीं दिया जाता है, क्योंकि जब आपको घर ही प्रोवाइड करवा दिया गया है तो आपको HRA देने की इतनी नीड नहीं होती है। ये सब जब ऐड करते हैं तो हमें लगभग 80,562 रुपये इतनी सैलरी देखने को मिलती है। अकोमोडेशन इसमें से हम हटा देंगे, उन्हें ग्रॉस सैलरी जो निकल कर आती है वो मिलती है 67,098 रुपये। अगर इन हैंड सैलरी की बात करें तो इन हैंड जो है वो डिडक्ट होता है, जो ये सब है ये हम डिडक्ट करते हैं इंक्लूडिंग इनकम टैक्स, तो इन हैंड सैलरी लगभग 55,000 रुपये आपको मिलती है। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल कम नहीं है, क्योंकि जब आप एंट्री कर रहे हो, मतलब आप अपने ट्रेनिंग पीरियड में हो, तब आपको पूरे भारत का भ्रमण करने का मौका मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके अकाउंट में अगर 55,000 रुपये
समय बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इन सबसे ऊपर है दोस्तों, आप आईएएस बनकर लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ कर सकते हो। आप एक आईएएस बनकर समाज की सेवा कर सकते हो। आईएएस अपने आप में एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। आप इसे सिर्फ पोस्ट या फिर फाइनेंशियल तौर पे ना देखें, ये बहुत अच्छी पोस्ट होती है दोस्तों। अगर आप आईएएस पद पर नियुक्त हो जाते हो तो आप इस पद का सम्मान करें, क्योंकि लोग आपके आईएएस पद का सम्मान करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, साथ ही आप वीडियो से मोटिवेट भी हुए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटे के बटन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, नई एनर्जी के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।